मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सागर पहुंचे, जहां उन्होंने सागर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर लता बानखेड़े के पक्ष में शहर की सड़कों पर जोरदार रोड शो किया। इसके ठीक बाद भाजपा प्रत्याशी लता बानखेड़े ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अपना नामांकन जमा किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे इस बात से संतोष है कि जिस प्रकार चुनाव का आगाज हुआ है, उससे हम प्रदेश की 29 की 29 सीटें ही जीतेंगे। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर बेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईखेड़ा लेधोरा हाट फोर लाइन चौराहा नर्सिंग कॉलेज के बाजू में। दरअसल आज प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव सागर प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने सागर के मोती नगर चौराहे से जोरदार रोड शो किया। यह रोड शो सागर के तीन बत्ती पर पहुंचा, जहां रोड शो का समापन हुआ। इसके ठीक बाद भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर लता बानखेड़े ने मुख्यमंत्री के साथ पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जिस तरह चुनाव प्रचार का आगाज हुआ है, उसके चलते हम अच्छी खासी स्थिति में हैं और आज पूरा देश मोदीमय है और प्रदेश की 29 की 29 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। क्या कहा उन्होंने, जरा आप ही सुनिए। आज सागर में हमारी प्रत्याशी भाजपा की श्रीमती लता वानखेड़े जी के नामिनेशन फॉर्म भरना और उसके पहले रोड शो में शामिल हुआ। मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार का यहाँ का जोश उत्साह दिख रहा, जनता का रिस्पांस दिख रहा, हमारे सभी महिला प्रत्याशी को जिस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है, वाकई यशस्वी मोदी के इस पूरे दौर में ऐसा लग रहा है कि मोदीमय सागर हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और पूरा भारत हुआ है। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ मंत्री श्रीमान गोविंद राजपूत जी, हमारे विधायक श्रीमान गोपाल भार्गव जी, श्रीमान शैलेन जैन जी, श्री प्रदीप लारिया जी, श्री भूपेन्द्र सिंह जी, हम सब मिलकर के आज यहाँ फॉर्म भरने आए हैं और जिस प्रकार का वातावरण दिख रहा, निश्चित रूप से इस बार 29 पार रहेगी। किस बार? आपके शहर सागर में पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए जेसीबी क्रेन हाइड्रा पोकलेन इत्यादि मशीनें किराए पर उपलब्ध। प्रथम ग्राहकों को 1500 रुपए तक की छूट, तो देर किस बात की, मशीनें चाहिए तो पायरेंट ऐप पर आइए।